क्लास एट साइंस आई एम आर एस प्रसाद सर. टुडे योर चैप्टर 9 दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड क्वेश्चन आंसर. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट इज द व्हाट इज अ लेंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ लेंस आर देयर. इसमें कितने तरह के लेंस हैं और लेंस होते क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ योर आंसर इज ऑप्टिकल मीडियम विद टू सरफेस विद वन साइड सर्कुलर और राउंडेड एंड द अदर साइड राउंडेड और अ प्लेन इज कॉल्ड लेंस. सो देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ लेंस. फर्स्ट वन इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज द कॉनकेव लेंस. सो यू कैन सी हियर इट इज योर कॉन. दिस वन इज द कॉनकेव लेंस नॉट कॉनकेव. इट इज द कॉन्वेक्स लेंस. दैट वन इज कॉन्वेक्स लेंस. And this is your concave lens. Now come to the some definitions. So define principal axis, optical center, focus. So first of all, principal axis. What is the principal axis? The line joining the center of curvature of both the surface is called principal axis. ये C1 है, C1, C2. That one is your C1 and this is your C2 and ये surface इसी से खींचा हुआ C1 से, इधर वाली surface C2 से खींची हुई है. C1 को center लेकर के क्या करना, पहले ये वाली surface खींचते हैं. ये और फिर C2 को center लेकर के ये वाली surface खींची गई है, ये वाली. सो दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस. और यहां C1 और C2 से जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये क्या बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस है. यानी ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. दिस लेंस इज योर कॉन्वेक्स लेंस. सो यू हैव टू राइट हियर कॉन्वेक्स लेंस. नाउ इट इज योर कॉनकेव लेंस. इस लेंस में C2 इसका इधर होता है, ध्यान रखना बच्चों, C2 इस साइड में रहता है और C1 इस साइड में रहता है. और इसी से जो लाइन ज्वाइन करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जो होकर जा रही होती है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. सो दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. Now come to the second definition, that is the optical center. Optical center is lens में ये जो lens दिखाई दे रहा है कौन सा lens है, ये convex lens. Convex lens में ये जो center है O जो होता है, इसमें without deviation जो है ये rays जो जा रही है से वो without deviation चली जाती है. So that is called as optical center. यहां पर ये concave lens है, इसमें भी ये O जो है optical center है. So you can say that one is the optical center. यहां पर भी ये जो O दिखाई दे रहा है that is the optical center. And the lens is concave lens. So you can write here this is the center of the lens from where rays passes without bending. Now come to the principal focus. What is the principal focus? So the point at which the light rays parallel to the principal axis after passing through a lens converge in a convex lens and appear to diverge in a concave lens is the principal focus. So ye light dekho, ab ye parallel to principal axis aa rahi hai aur after refraction ye jo kahan se ja rahi hai, focus se, and that focus is called as principal focus. ये जो एफ दिखाई दे रहा दैट इज द प्रिंसिपल फोकस. यहां पर ये जो रेस जा रही है इट सीम्स टू बी पासिस फ्रॉम दिस एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस.
इसके बाद आ जाइए फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ देखो, इट इज द लेंथ बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। सो एफ से नोट करते हैं, यहां पर भी यहां से डिस्टेंस और ये ओ है पॉइंट, यहां तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। सो यू कैन राइट हियर इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर एफ। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द रूल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई लेंस। लेंस की इन्फॉर्मेशन से फॉर्मेशन होता है, उसके लिए क्या क्या रूल्स है। तो फर्स्ट रूल है द रेज विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस विदाउट एनी डेविएशन, बिना मुड़े चली जाती है। तो ये आपकी रेस आ रही है, देखो यहां से ये रेस आ रही है इस साइड से, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट डेविएशन यानी बिना मुड़े बिल्कुल सीधे देखो निकल जा रही है पार। ये ऐसे ये तो लेंस आपका कौन सा था, कॉनवेक्स लेंस, इट इज योर कॉनवेक्स लेंस। और ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में भी ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है रेस और विदाउट डेविएशन जो है पार निकल गई है। सो दैट वन इज द, सो इट इज योर फर्स्ट रूल। नाउ कम टू द सेकेंड रूल, द रेस विच रन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस एंड अपीयर टू पास थ्रू द फोकस इन कॉनकेव लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में ये जो पैरेलल रेस आ रही है तो कहां से जा रही है, ये फोकस से होकर चली जाएगी, ये पासिस थ्रू फोकस। और यहां पर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये इट सीम्स टू बी पासिस, तो पीछे की लाइन डॉटेड रहेगी ध्यान रखना, और क्योंकि रेस तो आगे जानी होती है, ये रेस पीछे नहीं जाएगी, ये आ गया। सो दैट इज द सेकेंड लॉ। नाउ थर्ड लॉ, द रेस विच पासिस थ्रू फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस और अपीयर टू कम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फोकस इन कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन रन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये फोकस से आ रही है यहां से, तो ये फोकस से जो रेस आ रही है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स में या किसी में भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल हो गई। और इसमें ये लेंस कौन सा है, लेंस सारे याद रखने पड़ेंगे आपको, कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है कॉनकेव लेंस। इसमें भी देखो ये इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि आ रही हो वहां से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है आपका। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस। इन्हीं रूल्स को यूज करके हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज यानी इमेज को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो बियॉन्ड द 2F रखा हुआ, ये बियॉन्ड 2F, 2F के बाद रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी करके, ये आपकी क्या चीज है, ये कैंडल दिखाई दे रही है आपको। तो इस कैंडल की जो इमेज बनेगी वो यहां बननी है, ये आपको इमेज बनती हुई दिख रही है। अब इस इमेज को देखो कैसे बनती, कैसे है ये इमेज, इसको दिखाना, ये भी कैंडल ही है आपकी, इसी की इमेज है। तो ये पहले तो प्रिंसिपल है हमारे पास कि रेज को जो हमने लेना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। बच्चों बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर लेना, ये एक लाइन ड्रॉ करना और जरूरी है आप लोगों को लेंस में, जिससे ऑप्टिकल सेंटर मिल जाएगा आपका। तो ये रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से जाने दीजिए। दूसरी रेज जो है आपकी आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आएगी वो विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी, ये सीधी आपकी निकल जा रही है। और जहां पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हैं, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इमेज, सो यहां पर ये इमेज बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज है और रियल है। चलो इनके बारे में लिख लेते हैं, इमेज इज क्या चीज है, इन्वर्टेड, रियल है, इन्वर्टेड रियल एंड बिटवीन एफ एंड 2F, एफ एंड 2F के बीच में बन रही है।
so it can be obtained on the screen. Now come to the second figure, देखते हैं second में क्या बनता है ये. अब आपकी 2F पे कोई रखी हुई object ये दिखाई दे रहा है आपको, ये candle है. तो पहले लेंस के लिए मैंने बताया था लेंस आपको बना लेना अच्छे से, फिर इसके बाद जो है इसके बीचों बीच एक लाइन और ड्रॉ कर लेना जिससे ऑप्टिकल सेंटर मिल जाए आपको. रूल्स वही लगा रहा हूं जो पहले था. पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया हमने, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी ये, फोकस से होकर चली जाएगी. तो चलिए फोकस से होकर के जा रही है, ये चली गई आगे. दूसरी रेस जो है वो कहां से आ रही है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और ये सीधी निकल जाएगी विदाउट डेविएशन. तो ये जो रेस जा गई है विदाउट डेविएशन निकल रही थी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है तो यहां पर ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म हो जाती है. तो 2F पे रखी थी तो 2F पर ही इमेज फॉर्म हो रही है. सो द इमेज इज क्या होगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन. पिछले वाले में ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो बन रही है वो स्मॉल होगी यानी डिमिनिश्ड होगी, छोटी इमेज होगी. नेक्स्ट में चलते हैं हम जरा ये. अब जो है 2F और F के बीच में रख ले रहे हैं ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम यहाँ पे F और 2F के बीच में. ये कैंडल रखी हुई है और A B इसका नाम दे दिया गया है. तो पहले लॉ वही लेके चलना है कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन लेनी है. ये ध्यान रखना बीचों बीच एक लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, ये वाली लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे आप लोग. ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, ये फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगा सीधा. और ये इसको आगे बढ़ा दीजिएगा बिल्कुल, स्केल से बढ़ाना है सारा कुछ. और ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी रेस वो विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी और जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर जो है इसकी इमेज बन जाएगी. तो ये अपोजिट होगी जो इमेज बनती हुई दिख रही है आपको. ये बियॉन्ड 2F बनेगी इमेज. सो इमेज बियॉन्ड 2F, 2F से दूर बनेगी, रियल होगा और मैग्नीफाइड होगा. मैग्नीफाइड रियल और बियॉन्ड 2F इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन. यानी जो भी इन्वर्टेड होगी सारी की सारी रियल होगी और वो स्क्रीन पर ले सकेंगे. चलिए आगे, फोकस पे रखी हुई है आपकी इमेज. ये हमने ऑब्जेक्ट जो रखा है कहाँ रखा है, फोकस पे रख दिया है. ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे. तो पहली रेस जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी है और कहाँ से जाएगी, ये फोकस है आपका, फोकस से होती हुई निकल जाएगी और बिल्कुल सीधी जाएगी ये. आफ्टर रिफ्लेक्शन और जो ऑप्टिकल सेंटर से जानी है उसको तो सदा बाहर वैसे ही सीधे चली जानी है. लेंस के बीचों बीच ये लाइन जरूर खींचना बच्चों, इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी. और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ही है. तो इमेज जो बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी. ध्यान रखना बच्चों ये इमेज जो है इनफाइनाइट पे बना के दिखाओगे और ये बहुत बड़ा एरो लगाओगे और यहां इनफाइनाइट लिखेंगे आप लोग. सो इमेज एट इनफाइनाइट एंड हाईली मैग्निफाइड इन्वर्टेड रियल एंड इट कैन बी ऑब्टेंड
on the screen. इसमें ध्यान रखना ये भी इन्वर्टेड बनती है, अभी तक सब इन्वर्टेड ही बन रही हैं। चलिए अब की कहाँ रखी हुई है हमारे पास, अब की जो है फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दे रहे हैं, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, छोटी सी ये कैंडल है, इससे पहले रेस तो वही जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और फिर कहां से चली जाएगी ये फोकस से होती हुई चली जाएगी, देखो ये चली जा रही फोकस से होती हुई, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी ये भी सीधी चली जाएगी, ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आगे, लेकिन पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे इनको डॉटेड लाइन से ये यहां इंटरसेक्ट करेगी, तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज को आप डॉटेड बनाएंगे, ध्यान रखना इस इमेज को डॉटेड बनाना है, डार्क नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी बच्चों। तो यहाँ पे इमेज के बारे में बताओगे, इमेज इस वर्चुअल होगी ये इमेज, और इरेक्ट होगी, इरेक्ट और मैग्निफाइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी। तो ये सब चीजें हैं, इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड, इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। चलिए फोर्थ है, द पिक्चर फॉर्म ऑन द स्क्रीन एट थिएटर हॉल इज रियल और वर्चुअल, कैसी होती है वर्चुअल या रियल, रियल होते क्योंकि पिक्चर जो भी इमेज स्क्रीन पर आ गई वो रियल होती है। द पिक्चर फॉर्म ऑन द स्क्रीन एट थिएटर ऑल आर रियल इमेजेस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच, मैक्सिमम नहीं है मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ क्लियर इमेज कैन बी विजुलाइज्ड, ये 25 सेंटीमीटर होती है, सो मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ क्लियर इमेज कैन बी विजुलाइज्ड इज 25 सेंटीमीटर। ये लर्न करके रखना बच्चों, बहुत पूछते हैं इसके बारे में। नाउ सेकेंड इज द वेयर इज द इमेज फॉर्म इन अ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में जो इमेज फॉर्म होती है इस रेटिना पे होती है, ये जो दिखाई दे रहा है रेटिना इसी पर इमेज फॉर्म होती है और तभी दिखती है, ये लेंसेस होते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन किसका है, आई का कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आईरिस है, यहाँ पे कोमिया है और प्यूपिल है, तो ये ह्यूमन आई के बारे में दिखाया हुआ है, इसको ढंग से कर लेंगे आप लोग बना लेंगे। चलिए यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्ट साइडनेस एंड हाउ कैन इट रेक्टिफाइड, शॉर्ट साइडनेस क्या होती है, इसमें ध्यान रखना जो आई के लेंस होते हैं ये लेंस से इमेज थोड़ी पहले ही बन जाती है, ये इमेज रेटिना से पहले बन जाती है और दिखती नहीं है, तो ये जो भी रेज आ रही है यहाँ से, रेज आकर के कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, रेटिना से पहले, ये रेटिना है यहाँ बनती थी इमेज दिखती, लेकिन ये बन जाती है आई पर थोड़ा सा पहले ही बन जाती है। सो यू कैन से हियर, सम पर्सन whose eye lens are not proper cannot see things at a distance, in this the image of a far away object is not formed on the retina but at a point in the front of it, this defect of eyes is called short sightedness. साइडनेस और मायोपिया बोलते हैं इसको, दिस डिफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग आई लेंस विद डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस लगाएंगे एंड दीज लेंसेस डाइवर्स द रेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ये आपका लगाया हुआ है, द लेंस इज कॉनकेव, ये इसको डाइवर्ट करता है, फिर ये इमेज जो है आपके रेटिना पे ही बननी चालू हो जाती है। ये इमेज दिखा रखी इन्होंने, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ पी, इससे रेस जा रही हैं, ये रेस थोड़ी सी खुलती हैं और पैरल हो जाती हैं, तो ये यहाँ पे रेटिना पे जाकर के इमेज बननी चालू हो जाती है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग साइडनेस, हाउ कैन दिस बी रेक्टिफाइड, इसको भी बताना कैसे रेक्टिफाइड हो गया। सम पर्सन कैन बी सीन फार अवे थिंग्स क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली,
visible as the image is formed behind the retina. This defect is known as long sightedness or hypermetropia. This defect can be rectified by using convex lens, which forms the image at retina. ये आपका दूर बन रहा है, देखो यहाँ से far away है, रेटिना पे बनना चाहिए था, यहाँ पर इमेज बननी चाहिए थी लेकिन फार अवे हो जा रही है तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये लेंस लगाया, लेंस कौन सा है, ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस लगाते ही उस इमेज को जो पीछे बन रही थी उसको और आगे कर देता है और रेटिना पर ही बना देता है। ये रेटिना है, ध्यान रखना बच्चों, रेटिना है। रेटिना रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, ये लेंस लगा करके, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस लगा करके हम रेक्टिफाइड करते हैं इसको। चलिए चूज द करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। तो सबसे पहले आता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, ग्लास का जो होता है वो 1.33 होता है, ग्लास का 1.3 नहीं होता बच्चों, ग्लास का 1.5 होता है, ये 1.5 ग्लास का होता है। और आपका वाटर का जो होता है, वाटर का होता है 1.33 और डायमंड का 2.4 होता है। नाउ सेकेंड, द पॉइंट फ्रॉम विच अ लाइट रे पासिस विदाउट एनी डेविएशन, ऑप्टिकल सेंटर होता है जहां से विदाउट डेविएशन पास होती है। नंबर थर्ड, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डाइवर्ट्स फ्रॉम द इट्स पास, कॉल्ड इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज योर सी पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Now, when the object is placed 2F, the image form at the convex lens at 2F, 2F पे ही form होती है। ये matching आ गया है, matching में देखो क्या है, ये object placed हुई है और यहाँ image form बतानी है। तो ये है at F, अगर at पे रखेगा, F पे रखेंगे तो ये infinite पे बनेगा, यानी कि one answer यहाँ हो जाएगा at infinity। Number दो को देखो, between F and 2F, तो ये कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2F बनेगा, यानी कि ये दूसरा आंसर है आपका। थर्ड है, बियॉन्ड अगर 2F है तो बिटवीन F एंड 2F आ जाएगा, यानी यहाँ जो है आपका थर्ड पोर्शन आएगा। नाउ फोर्थ जो है आपका बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, F एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा तो वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड में ही बन जाएगा, यानी फोर्थ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। What do you understand by a refraction? So when light passes from one optical medium air to another optical medium, milky water, the rays bend at the contact point of the two media. So bending of light rays due to change of the media is called as refraction of light. ये दिखा रखा है, ये light जा रही है आपकी, ये तुरंत bend हो गई है थोड़ी सी, या फिर एक और bend हो गई है, तो ये आपका angle of incident, ये angle of रिफ्रैक्शन, और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। व्हेन द लाइट रेस एंटर वाटर मीडियम थ्रू अ ग्लास मीडियम वेयर विल बी डिफ्लेक्शन टुवर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आंसर है आपका। When a ray of light passes through glass and enter into water, then it will be bends away from the normal. So this is due to a refraction. Now third one, what do you understand by a refractive index of a medium? क्या मतलब होता है इसका refractive index का? So moving from one medium to another medium, the deviation of the incident ray is how much? And to which direction is calculated by refractive index? Or refractive index is a unit to express the optical density of a medium. So refractive index is equal to a velocity of light in vacuum or air. So velocity of light in particular medium, जिस medium है उसके लिए होना चाहिए। यानी हम इसका formula जो है C upon V लिख देते हैं, और ये formula होता है mu is equal to C अपॉन वी, और म्यू की जगह एन भी लिख सकते हो, एन इजकल टू सी अपॉन वी। ड्रॉ अ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल फोकस है,
इसमें और इसके बीच में रख दिया गया है इसको ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमें बनानी है तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है, बना लेंगे बिल्कुल। ये पैरेलल लाइन जा रही है, पहले बना के दिखा दिया था मैंने, और ये कहाँ जाएगा, फोकस से होके चला जाएगा, ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से भी होगा। लेकिन ये आगे की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे मिलेंगी, लेकिन इंटरसेक्ट करेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पर इसकी डॉटेड इमेज बनेगी। ध्यान रखना बच्चों, ये इमेज डॉटेड बनाएंगे आप लोग, बिल्कुल भी डार्क नहीं बनाएंगे इसको, डॉटेड लाइन चलाएंगे ये, तब बनाएंगे इमेज। ओके, ये बी डैस बन रहा है, ए डैस बी डैस, और ये 2F है आपका, इससे भी पीछे बन जाएगा। यह एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ द एक्टिविटी दैट द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ध्यान रखना ग्लास स्लैब है, ये रे ऑफ इंसिडेंट आ रही है, ये ए बी ओ, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये यहां से होकर के जा रही पी से, और फिर इसके बाद जो है ये सी डी डायरेक्शन में निकल जा रही है। तो इस तरह से हम ये देखेंगे, ये एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, ये एंगल कम हो जाता है, फिर इसके बाद यहाँ एंगल ये कम है लेकिन ये वाला एंगल ज्यादा हो जाता है। इट शोज टू द क्या शो करता है कि इंसिडेंट रे, देखो यहाँ पे देखो एक एक चीज ले रहे हैं हम, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये वाली हमारे पास है ए ओ, इसको लिख लीजिए इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और क्या है नॉर्मल पॉइंट, ये नॉर्मल पॉइंट कहाँ है, ये है नॉर्मल पॉइंट, यहां पे नॉर्मल खींचा हुआ है, ये नॉर्मल पॉइंट है, यू कैन से हियर नॉर्मल पॉइंट, दे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। देखो ध्यान से एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, सो आपको इतना ही लिखना है, सो दैट इज द एक्टिविटी, सो यू कैन डू योर सेल्फ। ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों, नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब करेंगे दबा करके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम मेरे वीडियो को एक लाइक तो करेंगे ही, और कमेंट्स भी करेंगे, कमेंट्स में जैसा भी समझ में आए वैसा करेंगे, और काम कंप्लीट हो जाए कॉपी का तो भी कमेंट करना, या मैंने कॉपी का काम कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।